वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर हैं ट्रिक नंबर 4। ट्रिक 1, ट्रिक 2 और ट्रिक 3 अभी तक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, शायद थोड़ा सी इंटरेस्टिंग भी लगी हो, यूजफुल भी लगी हो। तो ट्रिक नंबर 4 उन सबसे ट्रिक नंबर 3, 2 और 1 से इंटरेस्टिंग और यूजफुल आपके लिए रहेगी। ट्रिक 4 में और ट्रिक 3 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रिक 3 और ट्रिक 4 का नाम सेम है। हमने क्या किया था ट्रिक 3 में, किसी भी नंबर के साथ 999 के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा था। लेकिन इस मेथड में मेथड अलग रहेगा लेकिन ट्रिक सेम रहेगी, तो इसीलिए हमने इसको ट्रिक नंबर 4 दिया है। ट्रिक 3 ही है लेकिन मेथड अलग अलग हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड्स के साथ आप 999 को साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ट्रिक नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, 99 को अगर आपने 58 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आएगा। हमने कैसे किया था, उसमें 58 है तो एक कम कर दिया था 57, उस 57 को हमने उसमें से माइनस किया था, 99 माइनस 57, दैट मींस 42। तो ये आपका आंसर आया था 57 42। ठीक, अब हमारा जो दूसरा मेथड है, ये तो था हमारा ट्रिक 3 वाला मेथड। ट्रिक 4 में जो न्यू मेथड है वो न्यू मेथड क्या है अच्छे से देखेंगे। हमने 99 को 58 के साथ मल्टीप्लाई किया जल्दी से जल्दी, वो क्या था हमारा 5 सेकंड या 10 सेकंड में भी जा सकता है, माइनस करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में और माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे। 99 मल्टीप्लाई 58, एक कम 57, उसके बाद 9 में 5 गए 4 एंड 9 में 7 गए 2, सेम है, माइनस किया था वहाँ, यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, वहाँ वन बाय वन आप आंसर लिख सकते हो, 9 माइनस 5 4 एंड 9 माइनस 7 2। इसी तरह से 99 को जब हम 999 को 58 के साथ करेंगे, अब यहाँ पर एक डिफरेंस रहेगा, वो क्या, एक तो है यहाँ 3 डिजिट, ये आपका 2 डिजिट 57। ठीक, उसके बाद जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करके 42 ही आएगा पीछे, लेकिन यहाँ पर डिजिट 3 होने चाहिए, तो डिजिट जब 3 होंगे तो बीच में अपने आप 9 आ जाएगा, 57942। इसी तरह 999 मल्टीप्लाई 580 अगर हम लें तो क्या होगा, 580 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 9999 के साथ, 4 डिजिट हैं यहाँ पर, 3 डिजिट हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक कम 579, ध्यान से देखना, एक कम किया हमने 579, उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2 एंड 9 माइनस 9 0, लेकिन यहाँ कितने डिजिट है, 4 डिजिट, यहाँ कितना है अभी 3 डिजिट, 1 डिजिट कम तो ऑटोमेटिकली 1 9 आ जाएगा, तो आंसर क्या बना, 5799420। आप अपनी कैलकुलेशन खुद कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं, ये सिर्फ 2 सेकंड का कमाल है, 2 सेकंड या 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 999 को हमने मल्टीप्लाई किया 580 के साथ ही, लेकिन अब डिजिट फर्क पड़ गए, डिजिट यहाँ कितने थे, 4 डिजिट, यहाँ कितने हैं, 3 और 3 डिजिट, तो आंसर इसका एक कम 579, उसके बाद माइनस करते चलिए, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2 एंड 9 माइनस 9 0, तो 579420। ये था हमारा मेथड नंबर 2, जब हमने 999 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हमारा है मेथड नंबर 3। 3 में क्या रहेगा, वो भी बिल्कुल इजी है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, विदाउट प्रैक्टिस मैथ में कुछ भी नहीं है, ये बात याद रहे प्लीज़। ठीक है,
अब देखिए वही एग्जांपल ले लेते हैं हमने जो मेथड नंबर टू में लिया था, 99 मल्टीप्लाई 58। मेथड वन और मेथड टू से आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। मेथड नंबर वन ट्रिक थ्री में करवाया था, मेथड नंबर टू अभी हमने जस्ट पहले किया, और मेथड थ्री से अब इसको देखते हैं कैसे करना है। 99 मल्टीप्लाई 58, 58 टू डिजिट है तो आपने 20 लगानी है, माइनस जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही आप इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5800 माइनस 58 कितना आ जाएगा, 5742। ठीक, इससे ही किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करके उतने से माइनस कर दीजिए, जैसे हमने किया 999 को 580 से, 580 से करेंगे तो क्या करेंगे, 580 तो लिखना ही लिखना है, तीन डिजिट है तो 30 उसके बाद माइनस 580 माइनस करके आंसर लिख दीजिए, 0 2 4 9 5 7 5 7 9 4 2 0। इसी तरह आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मेथड वन से करिए या मेथड टू से, बहुत ही बेस्ट है। मेथड थ्री भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है उसके लिए जिसको माइनस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करनी आती। तो आप कोशिश करिए मेथड वन डैट मीन्स ट्रिक थ्री यूज़ करिए, या मेथड नंबर टू जो हमने ट्रिक फोर स्टार्टिंग में करी है तो वो यूज़ करिए, सब वेरी वेरी बेस्ट फॉर यू। ठीक, तो ट्रिक वन से लेके ट्रिक फोर तक ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, नेक्स्ट हम वैदिक ट्रिक की शुरुआत करने वाले हैं। अगर वैदिक ट्रिक्स आपको अच्छी लगती हैं, डैट मीन्स वैदिक मैथ, इट इज़ अ वैदिक मैथ, क्या है, हार्ट, मैथ का हार्ट है। अगर विदाउट हार्ट क्या इंसान जीवित रह सकता है, नहीं, तो वैदिक मैथ मैथमेटिक्स का हार्ट है। तो हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टाइम वैदिक ट्रिक्स की, तो उस वैदिक ट्रिक्स को देखने के लिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।